मुझे एक मौका दो, मैं पहलवान है दारा जी, उनका चेला है मैं। जब तक मूवी में कनेक्शन होता है तब तक मूवी की स्टोरी इतनी अच्छी नहीं होती। हेलो गाइस, तो गाइस फाइनली आ गए अपनी नई मूवी के रिएक्शन। अगर इस बार दोबारा हम आपके सामने बॉलीवुड की मूवी लेकर आए, अगर इस बार मूवी में आपको कार्तिक आर्यन जी देखने को मिलेंगे। आज जानते हैं उनका नाम क्या है। तो गाइस आज इस मूवी का रिएक्शन करने वाले, उसका नाम है चंदू चैंपियन। तो चलिए फिर रिएक्शन फटाफट गाइस चलिए रिएक्शन करते हैं, देखते हैं यहां पे क्या देखने को मिलेगा, कौन है यहां पे चैंपियन। क्या केस है सर? 65 के जन्म में इसको 9 गोलियां लगी थी। भाई साहब, जन्म को 2 साल हो गए, तब से कोमा में है। मुझे मेरे बगल पर वापस जाना है। डरता नहीं है दुश्मन से? दुश्मन नहीं है, तुम हिंदुस्तान में हो। ओ भाई साहब, गुलीकांड पेटर की कहानी आजाद हिंदुस्तान की कहानी है। हालात ऐसे कि देश टिक नहीं पाएगा कि नहीं। बहुत प्यारी मूवी बना रही है, बहुत प्यारी। हिंदुस्तान लड़ता है हर हालात से। बड़ा होके क्या बनेगा? मास्टर जी मैं चैंपियन बनूंगा और मेडल लाऊंगा। तुम्हारा नाम उसका तेरे पे जो पता है क्या बुलाते हैं लोग तेरे को? चंदू चैंपियन। चंदू चैंपियन, आज के बाद कोई ना ऐसे कम उस पर आज जाने दो तुम लोग। ओलंपिक की तरह अलग ही लुक है भाई साहब। क्या बात है, बजरंग भाई जान देख रहे हैं ना, कहीं तो पॉज ही होना चाहिए। सर मुझे एक मौका दो, मैं पहलवान है दारा जी, उनका चेला है मैं। भाई साहब, चैंपियन गिरता है लेकिन रुकता नहीं है। चुप मेरा भगवान से जो भी लेन देन था मुझे ऐसा मारना उसके प्लान में ही नहीं था। वो दिन मैं तय किया मैं जिएगा और उसके लिए जितना लड़ना पड़े मैं लड़ेगा और हर चिढ़ाती हुई हंसी को पलट के बोलेगा। जब तक मूवी में कनेक्शन नहीं होता तब तक मूवी की स्टोरी इतनी अच्छी नहीं होती। डरने का सर, हर उस चल्लू के लिए जो चैंपियन बनना चाहता है, हर उस चल्लू के लिए जो चैंपियन बन सकता है। चंदू चैंपियन, मुझे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे चीटिंग का केस करना था। ओ भाई साहब, क्या ट्रेनिंग करी है, फुल ऑफ मतलब जो होता है ना एक एनर्जेटिक मूवी। तो गाइस मूवी हमेशा से हमने कार्तिक आर्यन को हमेशा हमने कार्तिक आर्यन के कॉमेडी एक्टर में देखा, एक्ट्रेस मतलब रोल करते हुए देखा। फर्स्ट टाइम वो अभी आएंगे एक आर्मी ऑफिसर में और उन्होंने इतना स्ट्रगल किया बचपन से, उनको चैंपियन बनना था, उसके लिए पूरे गांव उनको ऐसी मतलब उनका मजाक बनाते रहे, बट स्टिल उन्होंने जो सपना देखा उसको एट लास्ट उन्होंने पूरा किया। और 9 गोली लगने के बाद भी वो 2 महीने कोमा में रहने के बाद भी वो अभी भी जिंदा है। तो गाइस और एक तरीके से गाइस मूवी बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग मूवी देखने को मिलेगी गाइस, जो भी अपने आप को एज ए लूजर समझता है और गाइस बहुत सारे लोग उसे लूजर बनाने के लिए उसके ऊपर हंसते हैं, उसको डिग्रेड करते हैं, उसको बिल्कुल ही नीचा दिखाते हैं। लेकिन गाइस अगर आप एक चैंपियन हैं तो गाइस आपको कोई भी चीज़ नहीं रोक सकती। गाइस ये मूवी आपको यही चीज़
सिखाती है, अगर आप एक चैंपियन है तो आप उस चीज को जरूर सकीगन जीत जाओगे। वो चैंपियन तो आपको उसके लिए स्ट्रगल करनी पड़ेगी, कभी भी कोई भी चीज आसानी से नहीं। तो गाइस वो था ही, स्ट्रगल तो है, बाकी गाइस ये है कि एक जुनून जो होता है तभी वो बंदा वो चैंपियन बन सकता है। अगर आपके अंदर गाइस जुनून नहीं है, लगा वो है कार्तिक आर्यन की, मतलब जो फेस हमेशा से इतना क्यूट कैरेक्टर है, इसमें उनका क्यूटनेस ही खत्म कर दिया, उनको बिल्कुल सीरियस मोड पे लेके आया। तो गाइस उनकी हेयर स्टाइल मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। गाइस जब भी वो किसी को चैंपियन बनना होता है तो गाइस उसको अपना लुक को बिल्कुल डिस्कार्ड करना पड़ता है, बाद में जाके वो चैंपियन बन पाता। एनीवेज गाइस आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।